ये जो आप जोश यहां से भर रहे हो, ये दो दिन बाद आपको टेस्ट मैच में धौलाधार की पहाड़ियों में खूबसूरत बर्फ पड़ी होगी और नीचे क्रिकेट का मैच हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले सुबह 5:30 बजे चल के, 5:30 बजे चले दिल्ली से, रोहित शर्मा 5:30 चल के हमारे खेल महाकुंभ 3.0 का ओपनिंग करने आए हैं। इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रोहित चाहते मना कर सकते थे, परसों मैच है आज मना कर सकते थे, लेकिन जब इनको पता था कि आप में से ही कोई भविष्य का खिलाड़ी निकलेगा, आप लोग खेलों में भाग लोगे तो नशों से दूर रहोगे, अपने आप को स्वच्छ और सुंदर और सशक्त बनाओगे और स्वस्थ बनाओगे, और उसके लिए जो राहुल द्रविड़ जी ने पहले कहा, केवल भारतीय टीम के लिए खेलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमें खेलों में पार्टिसिपेट करके अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रखना है, सोसाइटी के प्रति एक बहुत बड़ा योगदान देना है। और हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे। और आज खेलों में इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज से कुछ साल पहले तक भारत गिने चुने मैच जीत पाता था, गिने चुने मेडल जीतता था। आज हमने टोक्यो ओलंपिक्स में 7, पैरालंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक्स में 20, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जितने हमने 60 साल में मेडल जीते थे उससे ज्यादा हमने इस बार 26 मेडल जीते। और एशियन गेम्स में तो हमने, पहले क्रिकेट में सेंचुरी लगती थी, अब एशियन गेम्स में 107 मेडल भारत ने जीतने का कीर्तिमान स्थापित। और जब हम पैरा एशियन गेम्स में गए तो हमारे पैरा एथलीट्स ने 107 नहीं 111 मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में, जहां राज्यों की बड़ी भूमिका है, वहां राज्यों को खेलों का विकास करना है,